हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों को जैसा कि पता है कि आरजेएस की वैकेंसी को नोटिफाई कर दिया गया है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हम सबके लिए। तो जैसा कि हम अभी तक एंटिसिपेट कर रहे थे कि लगभग 222 वैकेंसीज आएंगी, तो नोटिफिकेशन में वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। 222 वैकेंसीज इन टोटल आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप ये वैकेंसी वाला पॉइंट देखेंगे, देखिए 83 वैकेंसीज यहाँ पर हैं, 57 यहाँ पर और 82 यहाँ पर। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि ये 3 साल की वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो टोटल जो है हमारे पास 222 वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इन टोटल 222 वैकेंसीज, तो बम्पर वैकेंसी है कहा जाए तो, क्योंकि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको जनरली यूपी में देखने को मिलती है, क्योंकि 5 साल बाद पेपर होता है। अब तो खैर एंटिसिपेटेड है कि जल्दी ही पेपर कराने के चांसेस हैं, बट कुछ कह नहीं सकते। तो जैसा कि सबको पता है कि यूपी में ज्यादातर बम्पर वैकेंसीज, इतनी ज्यादा नंबर में आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, बट क्योंकि आरजेएस में 3 साल से पेपर नहीं हुआ था, तो इट इज अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। अब आपके सारे सवालों का जवाब कि कोर्स कौन सा है, यानी कि सिलेबस में क्या आएगा, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए या फिर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी, तो हम नीचे चलेंगे तो देखेंगे कि सिलेबस यहाँ पर बता दिया गया है। अच्छा, सिलेबस में जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, वो ये कि मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे एलएलबी की चाहे बीएलएलबी की, ठीक है। एवरी कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ थरो नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान। अब ये पॉइंट जो आपके लिए वो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब हिंदी रिटन तो वो आपको पता होना चाहिए मेंस के लिए, बट राजस्थानी डायलेक्ट्स वगैरह, सोशल कस्टम्स वगैरह, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नोट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं आपके, फिफ्थ ईयर में हैं या 9th सेमेस्टर, आपके सॉरी 10th सेमेस्टर, नॉट 9th सेमेस्टर, 10th सेमेस्टर। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि जब तक आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा, वैसे आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। आपका जो है सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री में तो कम से कम मार्कशीट होनी चाहिए। अगर थ्री ईयर एलएलबी है तो आप लास्ट ईयर में होने चाहिए, यानी कि 6th सेमेस्टर में आप होने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अपियरिंग स्टूडेंट्स भी जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज नहीं किया गया है। फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस वगैरह है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो। नेशनैलिटी में आपको ऑब्वियसली सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। इसमें अब ये सारी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रह जाती हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब हमारे पास इम्पोर्टेंट जो चीजें बचती हैं वो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस है और मेन्स में क्या सिलेबस है। तो प्री के लिए तो इन्होंने बोला कि जैसे लॉ पेपर 1 और 2 का मेन्स एग्जामिनेशन का है, वही सेम है। हिंदी आपसे पूछी जाएगी और इंग्लिश पूछी जाएगी प्री के एग्जामिनेशन में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 70 नंबर का लॉ का पेपर होता है और 30 नंबर का आपका हिंदी एंड इंग्लिश होता है, जिसमें से 15 नंबर की हिंदी आती है और 15 नंबर की इंग्लिश आती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसी हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। अब ये जो 30 नंबर है ना यहाँ पर, ये 30 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। ये 30 नंबर आप कोशिश करें कि पूरे पूरे आए, ताकि आप मेरिट लिस्ट में आ सके, और नहीं तो कम से कम जो है, बहुत ज्यादा अगर नंबर कट रहे हैं 30 नंबर में, तो 4-5 नंबर से ज्यादा ना कटे, ठीक है। क्योंकि आपको अगर मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहिए तो 30 नंबर पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि लॉ में तो देखो, एक बात समझो कि लॉ हर कोई पढ़ के जा रहा है, ठीक है, और सभी को आता है लॉ। तो जितना आप कर पा रहे हो उतना ही सामने वाला भी कर पाएगा। कंपटीशन कहाँ पर आप टफ कंपटीशन अपने अपने कॉम्पिटिटर को दे सकते हो, वो है इन 30 नंबर में। सेम गोज विद द मेंस एग्जामिनेशन, जहां पर आप टफ कंपटीशन दे सकते हैं इस पेपर में, पेपर 1 इंग्लिश ऐसे, सॉरी पेपर 1 हिंदी ऐसे एंड पेपर 2 इंग्लिश ऐसे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो डर लग रहा था अब तक, कौन से चीजें पूछी जाएंगी। तो दैट इज लॉ पेपर 1 में सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईसीए, इंडियन एविडेंस एक्ट। देख लीजिए एकदम कि इंडियन एविडेंस एक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है आपसे। अब इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जा रहा है तो सीआरपीसी पूछा जाएगा, ठीक है, और आपका आईपीसी पूछा जाएगा। तो
कोई भी चेंज सिलेबस में नहीं किया गया है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए नहीं पूछा जा रहा है। उसका रीजन है क्योंकि एग्जाम हमारा प्री का, मैंने नहीं बताया शायद, 16 जून को डेट आ गई है, ठीक है। 16 अभी ये टेंटेटिव है, कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, बट माइंड यू चांसेस बहुत ज्यादा कम है आगे बढ़ने के, ठीक है। तो आप ये चीज लेकर के चलिए कि मैक्सिमम आपके पास 60 डेज है तैयारी करने के लिए, और मैं कहूंगी कि आप 60 डेज भी मत ही मान के चलो, आप मान के चलो कि आपके पास 30 दिन है तैयारी करने के लिए, ठीक है। डेट अगर आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 30 दिन आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। कुछ भी देखो, अब नया पढ़ने का कुछ भी समय नहीं है, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है आपको उसी को रिवाइज करना है, जितनी बार, 100 नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप उसे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बस आपको वो सारी चीजें रिवाइज करनी है जो आप लोगों ने पढ़ी है। तो आपका प्री के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ तक आपका प्री के लिए सिलेबस है, यानी कि ऑर्डर और जजमेंट राइटिंग आपको मेंस में पूछा जाएगा, और यहाँ पर लॉ पेपर टू में आपके लिए प्री का सिलेबस है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल में आपको मेंस में पूछा जाएगा। लैंग्वेज के पेपर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी ऐसे और इंग्लिश ऐसे आता है, 15 नंबर सॉरी 50 नंबर का आपका इंग्लिश हिंदी ऐसे होगा, और उतने ही नंबर का, 50 नंबर का आपका इंग्लिश ऐसे होगा, ठीक है। इंटरव्यू हमारा 35 नंबर का है, पिछले साल भी जब 2021 में पेपर हुआ था तो इंटरव्यू भी इतना ही था, तब भी 35 नंबर का ही था, अभी भी 35 नंबर का ही है, ठीक है। तो कुछ भी देखा जाए तो एग्जामिनेशन पैटर्न में कह लो, कुछ भी कह लो, कोई सिलेबस में तो एटलीस्ट कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो लॉ पेपर 1 2 में आपको 100 100 नंबर का पेपर है, 3 3 घंटे का ये पेपर होगा। तो यानी कि कैसे होगा पेपर, लॉ पेपर 1 के साथ एक पेपर 1 हिंदी ऐसे का होगा, ठीक है, लॉ पेपर 2 के साथ एक पेपर 2 इंग्लिश ऐसे का होगा, यानी कि 3 घंटे आपको लॉ पेपर के लिए मिलेंगे, फिर 1 1.5 घंटे का आई गेस गैप होता है, और 2 घंटे का आपको 50 नंबर का पेपर मिलेगा ऐसे लिखने के लिए। वैसे ही सेम गोज विथ इंग्लिश एंड लॉ पेपर 2। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें कैसे करें, तो देखो यूट्यूब पे अगर आप नहीं कहीं जा सकते हो तो वैसे तो आई सजेस्ट यू कि मॉक इंटरव्यूज ले लेना अगर आपका मेंस निकल जाता है तो, ठीक है। आपको मॉक इंटरव्यू लेने हैं अगर आपका मेंस निकल जाता है तो, और अगर नहीं जाना है, मॉक इंटरव्यू में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप मास्टर कर सकते हो यूट्यूब वीडियोस देखकर भी। बहुत अच्छी अच्छी यूट्यूब वीडियोस हैं, सर्च करो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठ करके इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकते, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना है, एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बस बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर, मैं आपको डेट्स बता देती हूँ कि कब, कल से ही 9 तारीख से ही जो है शुरू हो गया है फॉर्म का। तो ₹1,250 आपका जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी ₹1,000 है, और फिर उसके बाद जो है ₹750। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ राजस्थान वाले फिल कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। 16 जून 2024 को आपका पेपर है प्री का, रविवार। मेंस की डेट अभी इन लोगों ने नहीं बताई है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि जब प्री का वो रिजल्ट आ जाएगा उसके साथ साथ मेंस की डेट बता देंगे, और इंटरव्यू का भी कुछ वैसा ही है, जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो इंटरव्यू की भी डेट हमें पता चल जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग मान के चलिए कि 16 जून से जो है आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि राजस्थान में अप्रैल में ही आपके चुनाव खत्म, आई गेस हो गए हैं या हो जाएंगे अप्रैल में चुनाव खत्म। तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे बढ़ जाएगा, और तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इतना मान के चलो कि आपके पास 30 दिन का समय है, मतलब कि सब कुछ रिवाइज करने के लिए, और आपका आप एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दो अगर अभी तक शुरू नहीं किया है तो। रिलीजियसली रोज कम से कम 500 से 1,000 MCQs लगाओ ही लगाओ, कुछ पढ़ो ना पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्री में रह जाओगे, और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आप अपने एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दो। 1,000 नहीं तो कम से कम डेली 500 या 300 तक तो लगाओ ही, 300 to 500 आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। आप जब 500 या 600 रखोगे तब आप 300 या 400 कर पाओगे, ठीक है। और जो आपको फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 9 तारीख से दे रखी है, यानी कि कल से शुरू हो गया है, और 1 महीने का टाइम पूरा डॉट 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है 9 मई तक। तो फॉर्म फिल कर लो 1 हफ्ते में, अभी
कल अगर नहीं फिल किया है तो अब फिल कर लो, लगभग लास्ट डेट के लिए बचा करके मत रखना कि हम 9 मई को ही फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि फिर साइट नहीं चलती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उन सबसे बचने के लिए आपको ये सारी चीजें पहले से ही देखनी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें थोड़ा क्लियर हुई होंगी, क्या लॉस पूछे जा रहे हैं, क्या नहीं पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से आप सारा काम करेंगे। अब तैयारी जो है थोड़ा सा और सीरियसली आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। फिर से मैं कह रही हूँ कि 60 दिन ऐसे निकल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चुटकी बजाते ही आपके 60 दिन खत्म हो जाएंगे एंड फिर हम जो है जीरो पर आ जाएंगे कि तैयारी नहीं हुई है। 3 साल बाद वैकेंसी आई है, अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है, अच्छा नंबर है वैकेंसी का, 222 वैकेंसीज बहुत होती हैं। और डेफिनेटली अगर आप लोग करोगे, अभी से अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, सारी चीजें जो है हो जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। सो चलती हूँ अब मैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।